भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग से संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पाएं, योग से कैसे मिटाएं अपनी व्याधियों को और कैसे रहें 100 वर्ष तक स्वस्थ। योग है संपूर्ण आरोग्य का आधार, योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, और योग है एक संपूर्ण जीवन शैली, और योग है अध्यात्म का चरम उत्कर्ष। आइए आज हमारे साथ कीजिए लगभग 1 घंटा योग अभ्यास, जिससे मिटेंगे आपके सब संताप, मिटेंगे सारी व्याधियां और लगेगी आपकी समाधि। बस थोड़ी सी सावधानियां, प्राणायाम करते वक्त यदि आपको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो जोर से नहीं करना कोई भी प्राणायाम। यदि आपको कमर में दर्द है, यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है तो जोर से न करना, इतना ध्यान देना। यदि आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं, धीरे धीरे करना, लंबा करना, कैंसर भी होगा ठीक। बस प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करना। मासिक धर्म के वक्त माताओं बहनों को बाह्य प्राणायाम, एक प्राणायाम नहीं करना। बस इतनी सी सावधानियां प्राणायाम करते वक्त करना रखना। और खास बात, प्राणायाम खाली पेट ही करना, समस्त योगाभ्यास खाली पेट ही करना होता है। शाम को प्राणायाम करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद करना। आसनों में भी बस 2 सावधानियां खास, कमर में दर्द है तो आगे न झुके, और हर्निया हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो पीछे न झुके। श्वासों के 2 नियम योगासन के वक्त, जब भी आगे झुके तब छोड़े श्वास बाहर, और जब पीछे झुके तब श्वास भरे अंदर। जब शरीर की सामान्य स्थिति तो श्वास की भी सामान्य स्थिति, जब आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर, दाएं बाएं ऊपर या पीछे की ओर झुकते हैं तब श्वास अंदर, बस इतना खास नियम। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सिद्धासन, बाएं पैर नीचे दाहिना उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा विशेष की स्थिति में। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा, ये अपान मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में आप सीधे बैठ जाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास फेफड़ों में गहरा भरना है, खास बात, लंबा गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। आंखें बंद, मन सहज, श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन लगभग 2 मिनट करना है कम से कम। यदि आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है तो आप 2-2 मिनट भस्त्रिका बाह्य
भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान कीजिए। 10 मिनट इसमें लगेंगे और 10-10 मिनट आप कपालभाति अनुलोम विलोम, आधा घंटा। और यदि आप पौना घंटा प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर प्रणव का ध्यान, ये 3-3 मिनट कीजिए और 15-15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये आधा और पौने घंटे का अभ्यास प्राणायाम का भी आप प्रतिदिन कर लेते हैं यदि आप, तो आपको कोई व्याधि हो ही नहीं सकती। ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस भरना, बाहर छोड़ना, श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। आंखें बंद, मन सहज और मन में एक भाव, लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, एक पवित्र संकल्प के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूं, मेरे पंच कोशों का, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश, फिजिकल, एथरिकल, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल और कॉजल बॉडी, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांचों प्राण मेरे स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्वों का, पंच कोशों का, पंच प्राणों का होता है पोषण भस्त्रिका प्राणायाम से। जब थकान लगे तब रुक जाए और इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप पहले 1 मिनट, फिर 2 और फिर 3 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो अस्थमा आदि की तो आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे स्नायु तंत्र को सबल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक। बस इतना खास ध्यान देना, श्वास फेफड़ों में गहरा भरना, बाहर छोड़ना, पेट में श्वास नहीं भरना, फेफड़े में डाफाम तो श्वास भरना और बाहर छोड़ देना। यदि पेट में भरेंगे तो देखो ये गलत, रॉन्ग होगा, ये यूं नहीं करना, यूं नहीं करेंगे, ये गलत। श्वास भीतर फेफड़ों में गहरा भरेंगे, और बाहर छोड़ेंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन आप कर लेना 2-3 मिनट, फिर आगे बढ़ जाते। प्राणायाम की प्रत्येक विधि को ध्यान से देखें और वैसे ही करें। विधि के साथ में जिस प्राणायाम को जितने समय तक हम करने के लिए बोलते हैं उतने समय तक उसको करें, तो सब व्याधियां भी मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका के बाद। भस्त्रिका के बाद यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें, शक्ति का अतिक्रमण न करें, श्वासों का बाहर छोड़ेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें, करते रहें इस प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहा है सहज, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल होता है नॉर्मली, एक्सहेल होता है फोर्सली, मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। ये करना है आपको 10-15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। 1 घंटे की योग अभ्यास में आप इसको 15 मिनट कीजिए और फिर देखना मिटेंगी सब व्याधियां, कुंडलिनी शक्ति का होगा ऊर्ध्व रूपांतरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, आप बनेंगे ऊर्ध्व रेता, चेहरे पर आएगा ओज तेज, रहेगा यौवन बरकरार, नेचुरल ग्लो, आभा, शाइनिंग, तेज आपके चेहरे पर आ जाता है। विश्राम, रुक जाए थोड़ी देर, 1 मिनट किया फिर रुक जाए, फिर 1 मिनट किया फिर रुक जाए, बाद में आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं इसका, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। यदि आप नहीं थकते हैं तो करते रहिए लगातार, श्वासों को बाहर छोड़ दें।
श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है। जब छोड़ते हैं आप श्वास को बाहर, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं कपालभाति। ये मुख्य सात प्राणायाम, सात व्यायाम और सात आसन, इतना करने से हमने पाया कि हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के हेपेटाइटिस एबीसी से लेकर के थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, मोटापा भयंकर से भयंकर, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, सब व्याधियां मात्र सात प्राणायामों का अभ्यास से मिट जाती। इसलिए ये मुख्य सात प्राणायामों का अभ्यास जिसको आप कर रहे हैं, ये प्रतिदिन आपको करना है। लगभग 70 लाख व्यक्तियों पर अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शिविरों में, और यदि आश्रम में आने वाले साधकों को लगा लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से जो हमने प्राणायाम के अनुभव किए, और आस्था आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करीब 25 करोड़ से भी अधिक लोगों पर जो योग के प्रयोग हुए, उससे ये बात सामने आई कि जितनी व्याधियां ज्ञात हो चुकी हैं, जो अभी ज्ञात नहीं है और जो होने वाली है, उनका एकमात्र समाधान प्राणायाम, और उसमें भी मुख्य कपालभाति अनुलोम विलोम। नॉन अननोन जितने भी डिजीज हैं उन सब का परमानेंट क्योर प्राणायाम से हो जाता है, और उसमें मुख्य प्राणायाम है कपालभाति। जब थक जाएं तब रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण न करें, बस इतना खास ध्यान रखें। खास बात इस प्राणायाम के संबंध में एक ये, आप सामने जरा देखिए, कहें आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं करना, आप यूं नहीं करना, ये गलत हो रहा, आप भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल करना है, सिर नहीं हिलेगा, कमर नहीं हिलेगी, खाली पेट हिलेगा, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखों पर कोई तनाव नहीं आएगा, सहज श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, और मन में निरंतर एक संकल्प, रोग विकार अशुद्धियां व्याधियां पीड़ाएं सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, तन मन परिशुद्ध हो रहा है, इस भाव के साथ निरंतर कपालभाति प्राणायाम करती रहिए। सब टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स अपने आप बाहर हो जाए, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए, और जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर हुई तो फिर आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक होने से मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, वाइटल एनर्जी का लेवल आपका अप होगा, श्वासों को बाहर छोड़ने से आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगी, पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाएगा। मुख्य लाभ कपालभाति प्राणायाम का, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, यौन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मुख्य रूप से इससे स्वस्थ होता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इससे नॉर्मल आ जाता है, थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है मध्यम गति के साथ में, इस तरह से 5 मिनट करने के बाद थोड़ा विश्राम करें, आपने लगभग अभी 5 मिनट लिए, थोड़ा विश्राम, इस तरह से पहले दिन 1 मिनट, फिर 2, फिर 3, फिर 5 मिनट लगातार आप कर सकते हैं, अभ्यास होने के बाद आप 15 मिनट लगातार कर सकते हैं, और फिर आप देखना। इसी प्राणायाम से हम कहते हैं प्रतिदिन 250 ग्राम से लेकर के आप 1 किलो तक वेट कम कर सकते हैं, और ऐसा हमारे शिविरों में होता है, और इसीलिए हजारों और जब ओपन क्लास होती है तो लाखों व्यक्ति शिविरों में आते हैं, और मैं कहता हूं अभी करो अभी पाओ, सब नगद हिसाब किताब, उधार का काम भी नहीं,
इंस्टेंट रिजल्ट, तुरंत परिणाम, अभी करो अभी पाओ, प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। धर्म अध्यात्म आपको भाग्यवादी नहीं, आपको पुरुषार्थवादी बनाता है। पुरुषार्थ और परिश्रम, इससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। भगवान भिखारियों को अधिकारियों को देते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ प्राणायाम आपको निश्चित रूप से आरोग्य देगा। ये कपालभाति प्राणायाम फिर से करते हैं प्रारंभ। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, इससे जिनके बाल झड़ते हैं बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 10 से 15 मिनट कर लेना। बालों की सब समस्या झड़ना, सफेद हो गए हैं बाल आपके, बाल बढ़ते नहीं है, बढ़ने लगेंगे, ग्रोथ पूरी आ जाएगी। गंजी खोपड़ी पर दोबारा से बाल उगाएंगे, थोड़ा नेल से रगड़ने वाला अभ्यास भी कर लेना और ये कपालभाति प्राणायाम। आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, कपालभाति अनुलोम विलोम करना, आंखों का चश्मे हट जाएगा, रेटिना की कॉर्निया की प्रॉब्लम सब, अभी तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी प्रॉब्लम, डबल विजन, क्रॉल विजन, नाइट ब्लाइंडनेस की समस्याएं भी मिट रही है प्राणायाम से। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा तक अच्छा हो रहा है, आंखों के आंसू सूख गए या बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आते हैं, लालिमा है आंखों पर, ये सब आंखों की समस्याएं, नाक के अंदर बढ़ा हुआ मांस, बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ी हुई हड्डी, इससे ठीक हो जाते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम, अस्थमा ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, समस्त कफ दोष इस कपालभाति प्राणायाम के करने से ठीक हो जाते। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, कान बह रहे हैं बचपन से आपके, बस कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, कानों का बहना ठीक हो जाएगा, सुनाई देने लग जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, आंखों के नीचे काली मां गई, ओज तेज क्षीण हो गया चेहरे का, दोबारा से यौवन पाओगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इसे भीतर समान अग्नि, पंच प्राण ही तो है जो शरीर को चलाते हैं, कपालभाति से समान प्राण भीतर की जठराग्नि, समदोषा समग्नि समधातुम रक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता महर्षि सुश्रुत की भाषा में प्राणायाम ही से मिलेगी। समदोषा समग्नि समधातु ये सब होंगे कपालभाति अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों से ही। तो कपालभाति प्राणायाम मुख्य प्राणायाम आपको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए, पैर की प्रॉब्लम को मिटाने के लिए, मसोड़े फूल जाते हैं दांतों से खून बहता है, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना, और जो मंजन हम घर में बनाने के लिए बोलते हैं उसी को बना करके लगा लेना, बस देखना आपके दांतों की समस्या, पैर की समस्या, एक और फाइलेरिया की समस्या कपालभाति अनुलोम विलोम करने से वो भी मिट जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे, हार्ट के ब्लॉकेज इससे निकल जाते हैं, थायराइड परमानेंट क्योर हो जाता है, T3, T4, TSH लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है, छाती में गांठ है, यूट्रस में ओवरी में गांठ है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी के सिस्ट, पूरी बॉडी की कहीं पर भी कोई गांठ, मस्से, कॉर्न्स, टोटल स्किन डिजीज, सोरासिस की प्रॉब्लम और लिगोडर्मा की प्रॉब्लम इस कपालभाति प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों 15 मिनट करना। थोड़े घरेलू उपचार हम बताते हैं, उसका आश्रय लेना, दूध के साथ नमक आदि वृद्धार का प्रयोग न करना, ये सब टोटल स्किन डिजीजेस से ठीक होती है। रुक जाइए, विश्राम करें थोड़ी देर बीच में, 5-5 मिनट करके इस तरह से आप ये कपालभाति प्राणायाम निरंतर कीजिए, फिर देखिए टोटल स्किन डिजीज मिल जाए। कपालभाति प्राणायाम से हार्ट के ब्लॉकेज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा, टोटल लिपिड आपका नॉर्मल हो जाएगा, और टोटल ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाएंगे, आपका आर इफेक्ट पॉजिटिव है, आपका हेपेटाइटिस ABC पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ESR आपका नॉर्मल हो जाएगा, कपालभाति प्राणायाम के करने से यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, समस्त वात रोग और पित्त रोग, भयंकर से भयंकर एसिडिटी, अल्सर्टिकोलाइटिस, बस धीरे धीरे करना कपालभाति प्राणायाम। हमने कहा था जिनको अल्सर्टिकोलाइटिस है, कमर में दर्द है, हार्ट या BP की प्रॉब्लम है, वे धीरे धीरे करें, जो कमजोर व्यक्ति है, बस गर्भवती माता इसको न करें, इतना विशेष ध्यान देखना। पेट की सारी समस्या, अल्सर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सब समस्या इसी से ठीक हो जाती है, बंद ट्यूब इसी से खुल जाती है, इतना अद्भुत है। फिर से एक बार कीजिए,
श्वासों को बाहर छोड़ते रहना, देखना और पाना, मूलाधार चक्र में ध्यान करते हुए करना, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण भी होगा, मन शांत हो जाएगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन में उठते विकार प्रवाह अपने आप मिट जाएगा, वृत्तियां निरुद्ध होंगी, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, आप अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपनी चेतना से जुड़ेंगे। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अपंच क्लेश भी मिटेंगे, असत मिटेगा, तमस छतेगा, तथा क्षेत्र प्रकाश सावरण। महर्षि पतंजलि प्राणायाम का यही तो लाभ बताते, आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे, अनासक्त बनेंगे, आप संबोधि को पाएंगे, आप प्रज्ञावान बन जाएंगे। प्रज्ञा प्रसादम आरोग्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठान एवं शैलस्थ सर्वान प्राज्ञो पश्य। ये कपाल भाती प्राणायाम इस तरह से 15 मिनट करना, और इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम, धीरे धीरे अभ्यास का बढ़ाना, एक ही दिन 15 मिनट में। श्वासों को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। हार्ट आई बीपी वाले नहीं करना, जिनको सर्वाइकल मेलाइटिस पेन है वो जालंधर बंद नहीं लगाना, शेष थोड़ी को कटकोप में लगाएंगे। श्वास को बाहर छोड़, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे उड्डियान बंद, और नाभि से निचले भाग को खींच कर रखेंगे मूल बंद त्रिबंध के साथ। ये बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा, बाह्य प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, जो कपाल भाती से शक्ति जागृत होती मूलाधार चक्र की, उसका ऊर्ध्व रूपांतरण करते हैं बाह्य प्राणायाम। और ये डायबिटीज के लिए, पेट की समस्त समस्याओं के लिए, हर्निया कॉन्स्टिपेशन गैस आदि समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास बाह्य प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण और ऊर्ध्व रेतस होने के लिए। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दे, पेट को अंदर खींचे ढीला छोड़े, ये अग्निसार की क्रिया भी डायबिटीज के लिए भी बहुत जरूरी, क्योंकि जहाँ डायबिटीज मंडूकासन से अच्छी होती है, प्राणायाम मेन यही है, इसी के करने से पेनक्रियाज के बीटा सेल रिएक्टिवेट हो जाते हैं, और अग्निसार क्रिया भी इसमें मदद करती है पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने। बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते और पेट को अंदर खींचते ही छोड़ते, इस तरह से इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से मृदंड सीधा, आंखें बंद मन सहज, दाएं नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नाक को बीच की दो अंगुलियों से, इतना खास ध्यान दें, मृदंड सीधा, आंखें सहज, मन सहज, पूरी श्रद्धा और समर्पण साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास को लिया, दाएं से बाहर छोड़, दाएं से लिए पूरा भरे, बाएं से श्वास को बाहर छोड़, निरंतर कर
लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इस तरह से निरंतर इस विशेष क्रिया का अभ्यास। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास फेफड़ों में डायफ्राम तक गहरे भरने और बाहर छोड़ने, श्वास पूरा भरे फेफड़ों में डायफ्राम तक और बाहर छोड़े लयबद्धता के साथ, ये क्रम है। इसी सीक्वेंस से करना, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर वायु, फिर अनुलोम विलोम। कपालभाति प्राणायाम के करने से पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, डायबिटीज का अक्सर तब पता लगता है, किडनी की समस्या का अक्सर तब पता लगता है जब पैनक्रियाज के बीटा सेल लगभग 80% काम करना बंद कर देते हैं। जब किडनी करीब 80% डैमेज हो जाती है तब किडनी के प्रॉब्लम का पता लगता है, और उन दोनों का समाधान प्राणायाम योग अभ्यास ही। कपालभाति के करने से जहां हमारी किडनी और हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता, वहीं खास अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद करने से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डायबिटीज के कारण से बहुतों का हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कम हो जाता है, आंखों की ज्योति कमजोर पड़ जाती है, हार्ट वीक हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मिट जाती है। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं अनुलोम विलोम से, टोटल हार्ट प्रॉब्लम, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट के हृदय की कार्य क्षमता, फंक्शन हार्ट का कम हो गया है, आपकी पल्स मिस हो जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर, दोबारा से ओरिजिनल जैसा हार्ट था वैसा आपका हार्ट हो जाएगा, बाईपास बिना करवाए कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, हार्ट के ब्लॉकेज परमानेंट क्योर होते हैं। इसी से लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, सहज श्वासों के साथ मन को केंद्रित रखते हुए जितना वक्त लेने में लगे उतना ही वक्त श्वास को छोड़ने में, बिना रोके श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, असुरक्षा का भाव, एक भय, एक चिंता, एक तनाव आदमी की दिल दिमाग को हमेशा भारी रखता है। हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति के भीतर एक असुरक्षा का भाव पनपता रहता है, हर व्यक्ति अपने आप को कहीं अकेला माना बैठा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण के साथ, वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हर पल साथ में है, इसलिए कभी निराश हताश उदास न होना, हर पल भगवान का साथ अनुभव करना। दुनिया ने चाहे हाथ छोड़ दिया हो, जिस दुनिया का तुमने साथ जिंदगी भर दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम अकेले खड़े होगे जिंदगी की राह पर, फिर भी वो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अपने आप को परमपिता परमेश्वर के आनंद में गोद में अनुभव करना प्रतिपल, प्राणायाम करते रहो और विराट के साथ एकाकार होते रहो, तादात्म्य भाव से उस अनंत के साथ जुड़ जाओ, आखिर वही तो है हम सबका पिता। और लौट चले अपने पिता की ओर, अपने सच्चे घर की ओर, अपने उस जन्मों जन्मों के सखा की ओर, उस वात्सल्यमयी करुणामयी माँ की ओर। ये प्राण औषध है और प्राण ब्रह्म है, प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है, प्राणों में समस्त जीवनीय शक्ति है। प्राण को तो उपनिषदों में प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, अवातवाही भी सजम वेद में इन प्राणों को ही औषधि, और तुम ही विश्व भेष विश्व औषधि। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण सखा, प्राण ब्राह्मण, प्राण आचार्य तुम्हारे आचरण को पवित्र बना दे, दृष्टिकोण को सकारात्मक बना देगा, नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण से आज व्यक्ति टूट रहा है, समाज टूट रहा है, विघटन हो रहा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बना देता है, जीवन को उत्सव बना देता है, महकने लगती है सांसें, जिंदगी आपकी एक भौर की तरह हो जाती है सुहानी। विश्राम, रुक जाए थोड़ी देर, अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन करना है आपको 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा दे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के खास लाभ, पूरा नर्वस सिस्टम आपका इससे अच्छा हो जाता है, हृदय आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क की सारी व्याधियां मिट जाती है, पार्किंसन जैसा रोग मिट जाता है,
पहला सिस मिट जाता, थोड़ा वक्त जरूर लगता है। अद्भुत लाभ। अब तो पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं, पोलियो के पेशेंट पैरालिसिस से ठीक हो गया, प्राणायाम से अच्छे हो, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है, कहीं पर भी शरीर में कपालभाति अनुलोम विलोम लगभग उसके लिए 15-15 मिनट करना पड़ता है, एस्थमा ब्रोंकाइटिस सिनुसाइटिस ये सारी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है, भयंकर से भयंकर आर्थराइटिस। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से और कपालभाति दोनों साथ में 15-15 मिनट करने से फाइलेरिया पूरी दुनिया में जिसकी कोई दवाई नहीं वो भी ठीक हो जाता है, वेरिकोज वेन्स की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या वो भी ठीक हो जाती है कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों का, दोनों प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम एक दोनों का एक तारतम्य है। इससे लिकोडर्मा सोरायसिस स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है। अद्भुत है प्राणायाम में, अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति। बस श्रद्धा से करना, श्रद्धा से समर्पण से, श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ संघर्ष परिश्रम आपकी जिंदगी के दशा और दिशा को बदल देता है, और बदलने के लिए बस चाहिए पवित्र संकल्प। एक क्षण में तुम बदल सकते हो। आओ अनुलोम विलोम फिर से करो, पवित्र संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं आप। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। लंबा छोड़, सारे प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी करना है, कपालभाति बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, लेकिन उनको सहज करना है, साउंडलेस ब्रीदिंग। फिर मंगोल बच्चे, फिर अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगी बच्चों को, हार्ट में छेद नहीं होंगे बच्चों को, पैदा होते डायबिटीज के बीमार बच्चे पैदा नहीं होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी विशेष लाभ हो रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एट्रोफी की प्रॉब्लम भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे उसमें लाभ हो रहा है, मल्टीपल स्कोलोसिस की प्रॉब्लम में भी लाभ हो रहा है, मंगोल बच्चों पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं उनको भी लाभ हो रहा है। अद्भुत प्राणायाम, एक नया जन्म मिल जाता है, पुराना देह मिट जाता है, पुराना मन मिट जाता है, और बस रूपांतरण के लिए योग नाम समग्रता से रूपांतरित हो जाना, मिटा देना एक बार स्वयं को, फिर नया जन्म होगा, नई दृष्टि मिलेगी, और रूपांतरण के लिए समय नहीं इस संकल्प की आवश्यकता। ईश्वर प्रणिधानाद वातव्र संवेगा नाम आसन्न, महर्षि पतंजलि कहते हैं पूरी श्रद्धा से करो प्राणायाम, पूरी श्रद्धा से पूरी समर्पण से करो, भगवान का आह्वान एक क्षण में होगा परिवर्तन, और तुम देखोगे अगले ही पर अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पाओगे, व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा, मन के सब रोग भय संताप भ्रम भ्रांति मिटेंगे, जम मन का बंधन कटेगा, ये भव रोग भी मिटेगा, और तन के सब रोग तो अपने आप ही मिट जाएंगे, जितने भी ज्ञात अज्ञात रोग हैं बस सब यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट और इससे पहले कपालभाति, इन दोनों को समन्वित रूप से करना, फिर देखना जिंदगी बदल जाएगी, व्याधियां सारी की सारी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम विश्राम करें एक बार फिर से, 5-5 मिनट करना, फिर रुक जाना, पहले दिन आप 1-2 मिनट करें उसी से थक जाएंगे, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। ओम तेजोसि तेजोमय, ओम बलमसि बलमय, ओम ओजोसि ओजोमय, ओम वीर्यमसि वीर्यमय, प्रभु से प्रार्थना करते जाना, ओम तेजोसि तेजोमय, ओम वीर्यमसि वीर्यमय, ओम ओजो से ओजोमय, ओम बलम से बलमय, प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु ओज दो, बल दो, पराक्रम दो, स्वाभिमान दो, श्रद्धा दो, समर्पण दो, माधुर्य दो, जीवन की कटुता सारी मिटा दो प्रभु, भीतर ही वेद, भीतर ही शास्त्र, भीतर ही शुभ, भीतर ही अष्ट चक्र है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार चक्र, अनुलोम विलोम प्राणायाम से
अष्ट चक्रों का शोधन होता है, अष्ट चक्रों का शोधन, नौ द्वारों पर संयम, अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप हो जाता है। ये फिर से कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ, बाएं से पूरा फेफड़ों में भरे, पेट में नहीं भरना, बस इतना खास ध्यान रखना, दाएं से बाहर, फिर दाएं से ले, बाएं से पूरा बाहर, करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, मूर्धनिता भी बनोगे, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरायुध्या तस्याम हिरण्यकोशाः स्वर्ग ज्योतिषावृत, आठ चक्रों का शोधन, नौ द्वारों का शोधन, कुंडलिनी शक्ति का जागरण अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने आप होता है। यजुर्वेद में भगवान कहते हैं, यस्मिन् ऋजः सामेदंसि अस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भा विवारा यस्मिन् चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्ति। अनुलोम विलोम प्राणायाम से, ध्यान से भीतर के वेद खुल जाते, भीतर है वेद, भीतर है शास्त्र, ऋग्वेद साम अथर्व का बोध तेरे भीतर है, तो भूत भविष्य वर्तमान का जाता है, तू तो ईश्वर पुत्र है, क्यों है निराश, क्यों है उदास, क्यों है मायूस, तुम ईश्वर पुत्र बन जाते, ईश्वरीय शक्तियों के संवाहक बन जाते। 2000 साल पहले इस धरती पर कोई मठ मंदिर गुरुद्वारा, ये बाहर के धर्म स्थानों की आकृतियां नहीं थी, धर्म का केंद्र तो भीतर माना गया, आज भी धर्म तेरे भीतर है, जिस मस्तिष्क से गीता प्रकट हुई थी मस्तिष्क तो आज भी तेरे पास है, गीता भीतर है, वेद भीतर है, कुरान भीतर है, कुरान भीतर है, बाइबल भीतर है, सारा दिव्य ज्ञान तेरे भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, इस भाव के साथ शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है, चार ओर से मैं दिव्यता ऊर्जा शक्ति पा रहा हूँ, इस भाव के साथ करना, मन बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, जीवन बदलेगा, दृष्टि बदलेगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते तुम एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाओगे, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा, ऋतंभरा तत्प्रज्ञा निर्विचार वैशराध्य अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्प्रज्ञा, तुम संबोधि को पाओगे, बुद्धत्व को पाओगे, तुम प्रज्ञा पुरुष बन जाओ, तुम अनासक्त स्थित प्रज्ञा बन जाओगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैहिक रोग सब मिटेंगे, ये पहली बात, इसी भी बड़ी बात ये है कि तुम एक नया जन्म और नई दृष्टि पाओगे, दिव्य जीवन हो जाएगा, तुम सच्चे योगी हो जाओ, तपस्यभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो की मतोधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते तो योगी हो जाओ, फिर योद्धा बन करके कर्म क्षेत्र में डट पाओगे, योग पलायन नहीं है, योग तो कर्तव्यों का निर्वहन है, योग कर्म सुकोशलम, फिर तुम जहां रहोगे इस धरती को स्वर्ग बनाओगे, फिर तुम जातिवाद ये मजहबी संकीर्णता ये भ्रष्टाचार ये अपराध इसमें नहीं फंसोगे, तुम सकारात्मक मानसिकता के साथ में राष्ट्र में सृजन करोगे, इसलिए योग से आरोग्य मिलेगा, योग से आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना होगी, योग से आत्मशक्ति राष्ट्रभक्ति जागेगी, आत्मजागरण राष्ट्र जागरण होगा, और स्वदेश की प्रतिभा स्वदेश का धन स्वदेश की दौलत स्वदेश के काम आएगी, तो आरोग्य अध्यात्मवाद राष्ट्रवाद और स्वदेशी से स्वावलंबन की बात ये भी पूरी हो जाएगी प्राणायाम और ध्यान के बाद। फिर से विश्राम करें एक बार थोड़ी देर के लिए, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन आपको 15 मिनट करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते फिर देखना पूरा जीवन बदल जाए, तुम ईश्वरीय शक्तियों के संवाहक बन जाओगे, तुम सच्चे अर्थ में ईश्वर के पुत्र और पुत्रिया बन करके देश का काम करो। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हाइपरटेंशन को परमानेंट क्योर करेगा, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हार्ट की डिजीज को परमानेंट क्योर करेगा, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त स्नायु रोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टोटल प्रॉब्लम मस्तिष्क से आंखों से संबंधित समस्याओं को कसमत तो दूर हो जाएगा, कोई व्याधि बचेगी ही नहीं, समाधि लगेगी, अष्ट चक्रों द्वारों का शोधन हो जाएगा, और करते करते सारी दैवी शक्ति अनुकूल हो जाएंगी, देवतागण आशीर्वाद देंगे, मोक्षाताएं आशीर्वाद देंगे, स्वयं भगवान आशीर्वाद देंगे, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश ये सब तुम्हारे लिए शुभ देने वाला होगा, बस सीधे बैठना सहज रहना और बस शुभ का आधान करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन आप लगभग 15 मिनट करना, और इसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, मन शांत हो जाता है, प्रथम उंगली माथे पर, अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए शेष 3 उंगली आंखों पर, और मुख भी बंद रहेगा,
ओंकार का नाद नासिका से होगा। ध्यान दे अभी, कान बाद में बंद करने हैं अंगूठे से, पहले सुन ले भ्रमर की तरह ओंकार का नाद। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ओम इति काक्षम ब्रह्म कह करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, जिसका जाप योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव ने किया, जिसका जाप स्वयं भगवान राम ने किया, वह ओंकार। तस्य वाचका प्रणव तत्जपस्थ तथ भावन, यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम पहले नाद में ओंकार का उच्चारण, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। हाइपरटेंशन डिप्रेशन अवसाद सब मन के बंधन भी कटेंगे, समाधि भी लगेगी, व्याधियां तो दैहिक रूप से सब मिट ही जाएंगी, क्योंकि 80% व्याधियां तो मन के तनाव ही से तो है, सारा तनाव बह जाएगा श्वासों के साथ। भ्रामरी प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा फेफड़ों में भर करके ओंकार का नाद में उच्चारण भ्रामरी प्राणायाम। हाथ नीचे ले आएंगे, 3 से 5 बार कम से कम रोज करना, और समय आपके पास में है तो 11 और 21 बार तक आप इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में आप, और उद्गीत प्राणायाम श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। आज चक्र में ही मन को केंद्रित रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से आज चक्र में जैसे एक सूर्य उदय होता है, ऐसे एक आभा एक ज्योति एक प्रकाश एक आलोक सा स्वयं प्रकट हो जाता है। उस आभा में ज्योति में ही ओम को देखे, और आओ अब उद्गीत प्राणायाम श्वास भीतर गहरा भरते हुए आज्ञा चक्र में प्रणव का ओम का ध्यान। श्वासों पर ओम का ध्यान, इसको अधिक भी कर सकेंगे उद्गीत प्राणायाम को जितना समय हो आपके पास। फिर मौन हो जाए, श्वासों पर मन को टिका, मृदंड सीधा सहज बैठ जाए, और श्वास के साथ प्राणों के साथ प्रणव की आराधना ओम का ध्यान। आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों थैलियों को, हाथों की गरम गरम ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर, आंखें खोल लेना, ये इतना सा प्राणायाम रोज कर लेना। वक्त कम हो तो उसे आधा घंटा कर लेना, 1/4 घंटा कर लेना। बहुत ज्यादा व्याधियां तो समय और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा देना, बीच बीच में विश्राम कर। सीधे न बैठ सको आप जमीन पर,
कुर्सी पर बैठ के कर लेना, और ये भी हालत नहीं है कि आप बैठ ही सको तो चाहे लेट के कर लेना, लेकिन प्राणायाम जरूर करना। फिर कुछ खास प्राणायाम, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वह उज्जायी प्राणायाम भी साथ में कर सकता है। वैसे कपालभाति प्राणायाम से थायराइड की प्रॉब्लम मिटती है। उज्जायी प्राणायाम थायराइड के लिए, गले के लिए, स्नोरिंग के लिए, जो रात को खर्राटे मारते हैं उनके लिए, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको, जो बच्चे तुतला करके हगला करके बोलते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है भी और गले के रोग हैं, वे उज्जायी प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्वास भीतर गहरे भरेंगे और छाती में, फेफड़ों में भरेंगे, नासिका से गले को टाइट करते हुए, तो अपने आप ही साउंड होगा। इस तरह से मुख बंद, नासिका से सांस भरेंगे, भरते समय ध्वनि होगी। श्वास पूरा भरने के बाद जालंधर बंद लगा लेते हैं, और जालंधर बंद लगा करके थोड़ी देर रोक के रखते हैं। यदि सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंद न लगाना, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो जालंधर बंद नहीं लगाना, बस श्वास लेना और राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना, राइट को बंद करके लेफ्ट से है लेना दोनों से, और भरते समय आवाज होगी ऐसी ऐसी, इसी को लंबा कर देना। यथाशक्ति रोकने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करना और लेफ्ट से सांस को बाहर, अंदर भरते समय साउंड हो, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं करना, ये उल्टा हो रहा है, सही विधि से करना उज्जायी प्राणायाम। यदि आपको बहुत गर्मी लगती है, पसीना बहुत आता है, बीपी बहुत आ ही रहता है, गुस्सा बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, या प्राणायाम यदि गर्मी के ऋतु में किया जाए तो उसके बाद आप इसको करके अपने शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हो। शीतली शीतकारी प्राणायाम खास, लेकिन जिनको अस्थमा कफ की प्रॉब्लम है वे न करना। शीतली, दांत मुंह खुला हुआ, दांतों के बीच जीभ बाहर निकालेंगे, जीवा बाहर निकलेंगे, और जिह्वा को चौंच की तरह बनाते हुए श्वास अंदर भरेंगे। शीतली प्राणायाम सीसी की आवाज करते हैं, भरना मुंह से, थोड़ी देर रोक के रखना। यदि हार्ट टाइप बीपी की प्रॉब्लम हो तो रोकना भी नहीं, और छोड़ते समय नासिका से बाहर निकाल, जीवा बाहर निकाल, श्वास अंदर भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं और छोड़ते समय नासिका से बाहर। ये शीतली प्राणायाम 3 से 5, 11 बार तक कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम, दांतों के पीछे जीभ लगा दी, दांतों के पीछे जीभ लग गई, होंठ खुले हुए, दांत बंद, और सीसी की आवाज करते हैं, श्वास अंदर भरेंगे। छोड़ना नासिका से, बढ़ते समय आवाज, ये दो रोगोपचार की दृष्टि से यदि गर्मी का रोग है तो आप इनको कर सकते हो। ये तीन प्राणायाम आपको और विशेष, वैसे तो प्राणायाम की बहुत सारी प्रक्रियाएं, लेकिन मुख्य 7 प्रक्रियाएं जो आपको पहले बताई थी, ये उज्जायी, ये शीतली, ये शीतकारी भी रोगोपचार की दृष्टि से कुछ विशेष आपको बताया, अन्यथा आप 7 प्राणायाम के करने से समस्त रोगों से मुक्ति पा लेते हैं, और यदि आपको कोई व्याधि नहीं है तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। व्याधि मिटाने के लिए, समाधि लगाने के लिए, मन के अंदर उठते हुए विकारों को मिटाने के लिए, और सोई हुई शक्तियों के जागरण के लिए जरूरी 7 प्राणायाम का अभ्यास, और अब 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, दोनों पैरों को सामने खोल लें, प्रतिदिन आप ये कर ही लेना, पूरा वक्त लगता है बस, और आपके पैर स्वस्थ हो जाते हैं और पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है। मुख्य क्योंकि पेट और पीठ का, मेरुदंड का और पीठ का मुख्य स्वास्थ्य, उसके लिए भी हम कुछ अभ्यास, कुछ डायबिटीज के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बॉडी के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों को आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ,
सात सूक्ष्म व्यायाम के मुख्य अभ्यास, पैरों को आगे पीछे दबाना, पूरी ताकत के साथ आगे पीछे दबाएं पंजों को और फिर गोलाई में घुमा दें, थोड़ा फास्ट गोलाई में पैरों को घुमाएं, पूरी गोलाई में घुमा दे पैरों, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और अब बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को तलमों से मिला लेंगे और हिलाएंगे, ये पैरों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों के अभ्यास, जिनको भी कमर में दर्द है, सैटिका पेन है, क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, इस तरह से हिलाएं पैरों को कि आपके घुटने जमीन को छूने लगे, धीरे धीरे अभ्यास पूर्ण होगा, मेरुदंड सीधा ही हो, सहज हिलाते रहें, ये बटक शिफ्ट थाई की बड़ी भी चर्बी को भी कम करने के लिए जरूरी अभ्यास था। अब पांच अभ्यास हाथों के लिए खास, हाथों में दर्द है, सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन है, गर्दन के पीछे का दर्द है, उसके लिए मेरुदंड के ऊपरी भाग के लिए अंगूठा अंदर अंगुलियों पर मुठ्ठियां बंद गोल घुमा दें, ये प्रथम अभ्यास ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए और हाथों के जॉइंट्स को स्वस्थ बनाने के लिए, सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन और एंकलोजिंग स्पोंडाइलिटिस फ्रोजन शोल्डर से बचने के लिए, और यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो इनको मिटाने के लिए भी। सेकेंड अभ्यास, दोनों हाथ सामने, कोहनियों से दोनों हाथ को मोड़ेंगे, अंगूठे उंगलियां कंधों पर रख देंगे, दोनों कोहनियां सामने मिलाएंगे और बड़ा शून्य बनाएंगे आप कोहनी से, कोहनी पूरी गोलाई में घूमती है, विपरीत दिशा से भी इसी तरह से कर लेते हैं। यदि सर्वाइकल स्पोंडाइलिटिस पेन है तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं इसका और ज्यादा, बड़ा शून्य बनाते हैं कोहनी से, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। अगला अभ्यास, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं, मेरुदंड सीधा आराम से खींचते हैं। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करना सभी अभ्यास, हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस अभ्यास को और धीरे करना, श्वास छोड़ते हुए बीच में रुकते हैं, श्वास भरते हुए साइड में खींचते हैं, और अब दोनों हाथ की उंगलियों को डलोर करके सिर के पीछे बांध लेते हैं, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं और फिर हाथ नीचे ले आते हैं, गर्दन में कंपन सा पैदा होता है, फिर दाएं हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, कान के पास सिर से हथेली को लगाते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, फिर दूसरी ओर से दूसरे हाथ से, इसी को सामने से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा दें, विपरीत दिशा से भी अपोजिट साइड से, ये मुख्य सात सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और मुख्य सात आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठकर के मंडूकासन, मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, दोनों घुटने सामने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ये वज्रासन खाने के बाद भी किया जा सकता है। आसनों में दो खास सावधानी, जिनको कमर में दर्द है वे आगे झुकने वाले अभ्यास बिल्कुल न करें, जिनको हरने पीछे झुकने वाले अभ्यास न करें। श्वासों का खास नियम, जब आगे झुकें तब श्वास छोड़े बाहर और जब पीछे झुकें तब श्वास भरें अंदर। मंडूकासन का फर्स्ट पोज, मुठ्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर अंगुलियों ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगा दें, मुठ्ठियां पीछे से यूं मिली हुई और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। मंडूकासन का फर्स्ट पोज देखेंगे, सामने दृष्टि सामने और फिर ऊपर उठेंगे धीरे धीरे। जिनको डायबिटीज है वे इस अभ्यास को 5 से 15 बार तक कर सकते हैं। मंडूकासन का ये फर्स्ट पोज, सेकंड पोज मंडूकासन का, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास छोड़ते हैं बाहर और झुकते हैं आगे। मंडूकासन का सेकंड पोज डायबिटीज के लिए, हर्निया के लिए, पेट की समस्याओं के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, शशकासन, श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर, दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, हथेली कोहनियां माथा जमीन पर। जिनको कमर में दर्द है वे ये अभ्यास न करें, हथेली कोहनियां माथा जमीन पर, श्वास पूरा बाहर
और श्वास अंदर भरते हुए हाथ उठा लेते हैं फिर से ऊपर और हाथ साइड से नीचे। ये दो अभ्यास बैठ करके, अब दो अभ्यास पेट के बल लेट करके, लेट जाएंगे पेट के बल, और पेट के बल लेट करके दो खास आसन भुजंगासन और शलभासन के अभ्यास। थोड़ी जमीन पर दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में लगे हुए, दोनों पैर पीछे मिले हुए। आसनों का ये विशेष क्रम, सात उपयोगी विशेष आसन, उसमें पेट के बल लेट करके करने वाला भुजंगासन, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, नाभि तक उठा देते हैं, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ये भुजाओं के लिए, भुजाओं को स्वस्थ सुंदर सुडोल बनाने के लिए और खास उपयोगी मेरुदंड के समस्त रोगों के लिए। भुजंगासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ही नीचे आएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन फॉर द शोल्डर, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शटी का पेन के लिए जरूरी अभ्यास। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में जमीन पर, हथेलियां थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए हाथ भी उठेंगे और छाती भी सामने से और थोड़ी भी उठा दें सामने से। तीसरा उपयोगी अभ्यास, थोड़ी देर रोक के रखते हैं और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। भुजंगासन का चौथा उपयोगी अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन, दोनों पैरों में पीछे फासला, पंजे पीछे की ओर ही खुले हुए दोनों ही पैरों के, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे और दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देख रहे पीछे से, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। और इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं और बाएं कंधे के ऊपर से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं, अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना पीछे, श्वास अंदर भरते ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघा के नीचे, दोनों पैर पीछे मिले हुए पास में, पंजे पीछे की ओर तने हुए, शलभासन, दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, कमर में दर्द हो उतना उठाएं जितना उठाने से कमर दुखे नहीं, नीचे ले आए पैर को धीरे धीरे, दूसरे पैर को उठाएं, श्वास अंदर, शलभासन। इन समस्त आसनों को एक से धीरे धीरे तीन पांच बार और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो स्पाइन आदि के, तो इन अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं। मृदंड के लिए खास अभ्यास शलभासन के कर रहे थे आप, अब शलभासन का अगला पोज, दूसरा पोज, दाएं हाथ सामने कान से लगा हुआ और बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाहिने हाथ को और पीछे से बाएं पैर को उठाएंगे, आराम से उठाएं, सामने से थोड़ी छाती उठेगी, थोड़ी भी उठेगी, हाथ उठेगा कान से लगा हुआ और पीछे से अपोजिट साइड का पैर, सामने से दाया तो पीछे से बाया पैर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं, बाएं हाथ सामने कान से लगा हुआ जमीन के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए अब सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए, छाती भी थोड़ी थी, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का तीसरा पोज, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, छाती उठ जाएगी सामने, दृष्टि ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। शलभासन का चौथा अभ्यास, दोनों तरफ से उठाएंगे आप, सामने से छाती उठेगी, पीछे से पैर और हाथ पीछे खींच के नितंभ पर चले जाएंगे, आराम से उठाएं, अधिक कमर में दर्द हो तो ना करें इसको, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अब लेट जाएंगे शवासन में आप, शवासन में लेट करके जरूरी तीन अभ्यास, सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों पैर पास में, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर, लगभग एक फीट जमीन से ऊपर उठाएं, दोनों हाथों के थैलियों को रुख नीचे की ओर, हाथों पर थोड़ा प्रेशर दें यदि पैर न उठा पाते हो तो, कमर में अधिक दर्द हो तो एक एक पैर को उठाना दोनों को नहीं, फिर नीचे ले आए पैरों को। उत्तान पादासन पेट के लिए जरूरी अभ्यास, पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़ लें घुटने से, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लें, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा, श्वास छोड़ें बाहर धीरे धीरे, घुटने को दबाएं छाती से लगाएं और सिर उठा करके नासिका लगा दें पैर के घुटने से, फिर पैर धीरे धीरे सीधा कर लें, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें, श्वास छोड़ें बाहर, घुटने को दबाएं अधिकतम छाती से लगाएं और फिर सिर उठा करके नासिका लगा दें पैर के घुटने से, दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए, पैर सीधा कर दें, दोनों पैरों से फिर एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, पंजे नीचे तने हुए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, श्वास को बाहर छोड़ें,
घुटनों को दबाएं, छाती से लगाएं पहले, फिर सिर उठा करके नासिका लगाएं, फिर पैर सीधे कर दें। ये दूसरा उपयोगी अभ्यास, पेट के लिए दो अभ्यास किए। अब मृदंड के लिए एक और उपयोगी जरूरी अभ्यास, स्पाइन के टोटल प्रॉब्लम्स के लिए दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए और दोनों पैर मुड़े हुए, घुटनों से दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, दोनों घुटने पास में, दोनों पंजे भी पास में, श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, गर्दन अपोजिट साइड में बाईं ओर, घुटने पर घुटना, एडी पर एडी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर, फिर बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को आराम से श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर झुकाते हैं पैरों, बाएं घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में दाहिनी ओर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते बीच में आ जाते हैं। मर्कटासन का दूसरा जरूरी पोज, दोनों पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, मुड़े हुए ही दोनों पैर घुटनों से, लेकिन करीब 1.25 फीट खुले हुए। अब श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिने घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में बाईं ओर, दाहिनी ओर पैरों को झुकाया तो गर्दन बाईं ओर, फिर बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से करते हैं इसी अभ्यास को, गर्दन अपोजिट साइड में, बाईं ओर पैर झुकाएं, बायां घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं पैर के पंजे के ऊपर, टखने के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते वापस पैर सीधे कर देते हैं। इन अभ्यासों को अधिक बार किया जा सकता है यदि कमर में दर्द है तो, धीरे धीरे 1 से 3 बार, फिर 5 बार, 10 बार तक कर सकते हैं आप। और मर्कटासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों को रखो ऊपर की ओर, दाहिने पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर, धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटने सीधे, पंजे नीचे की ओर तने हुए, दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास धीरे धीरे बाईं ओर लेके जाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास अंदर, फिर पैर को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे 90 डिग्री पर, घुटना सीधा, पंजे तने हुए और नीचे ले आते हैं। अब बाएं पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, धीरे धीरे बाएं पैर को उठा करके दाहिने हाथ के पास अपोजिट साइड में ले आते हैं, जितना अधिकतम ला सके उतना ले आए, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों पैरों के घुटने सीधे और फिर पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर और नीचे जमीन पर ले आते हैं, जितना आपका पैर आ सके अधिकतम तला लाने की कोशिश करें। फिर समासन में थोड़ा सा विश्राम, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, आंखें बंद, मन सहज, पूरा देह शिथिल, मैं चैतन्य आत्मा हूं, स्वयं को अमृत पुत्र जान, धरती माता की उस परम पिता परमेश्वर की आनंदमयी गोद में विश्रांति पाना, सहज हो जाना, श्वासों के साथ जुड़ जाना अपनी चेतना के साथ, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और आंखों पर रखते हुए आंखें खोल लेना और बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाना। ये आज आपको हमने बताया योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज, 7 मुख्य प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 मुख्य आसन, इन्हीं को कर लिया जाए तो हमारी मिट जाती हैं सारी व्याधियां, और जब पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ करते हम योगाभ्यास तो लग जाती है समाधि भी। तो योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, योग एक पूर्ण अध्यात्म का उत्कर्ष, और योग है एक स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प। इतना सा योग करना, बस सुबह उठ के पानी पी लेना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सादा आहार लेना, पवित्र संकल्प के साथ हर पल जीना, हर पल मुस्कुराते हुए जीना, जीवन को उत्सव की तरह जीना, जिंदगी की हर भोर तुम्हारे लिए एक नया जन्म बन जाए और हर पल तुम अपने आप को ईश्वर पुत्र मानकर के जियो। तुम दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम अमृत पुत्र हो, ऐसा मान करके अपने आहार पर, अपने विचारों पर, अपने निद्रा पर, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए जिंदगी को जीना। तुम कभी व्याधिग्रस्त तो होगे ही नहीं, समाधि भी लगेगी, स्वयं अमृत पान करोगे और जो भी रोगों से संतप्त मानवता है उसको रोगों से मुक्ति दिला सकोगे। आओ हम स्वस्थ रहें, स्वयं स्वस्थ रह करके स्वस्थ भारत का निर्माण करें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आध्यात्मिक भारत का निर्माण हमें स्वयं करना है, यही तो हमें योग सिखाता है।